सब लोग आ जाएंगे इधर, एक्चुअली आएंगे तो सब लोग आ जाएंगे फोटो के लिए इधर, ये साइड में आप लोग थैंक यू सर, थोड़ा हाई टेक कर लीजिए ना, आप दिख रहे नहीं ऐसा थोड़ा सा पेड़ से, हाँ यस यार रेडी रेडी थैंक यू भाई, कैसे जा रहे तुम? प्रॉपर बाथरूम पांडे पांडे प्लीज यार, हमको जगह देना बोलेगा तो मुझे बोलो यार, चुप रहो, ये साइलेंट गाइस सर, फर्स्ट यू इंट्रोडक्शन एंड व्हाट ऑफ मूवी एंड क्या सब्जेक्ट है एंड स्टार कास्ट के बारे में बताइए, और आज के बारे में बताइए कि रिकॉर्डिंग जो रही है वो क्या सिचुएशन है, कौन सिंगर है और किस तरह का गाना है। Hi, this is Shrijita Ghosh. Today we are here for Jaisa Chiknaka Muhurat, which is really a privileged moment for all of us. And I am basically a theatre artist too, and I am doing lots of movies in South, and TVCs also. This is my first movie in Bollywood. So I am really excited to share the moment with all of you. And Jaisa Chiknaka is something about a social awareness creating message movie. This has lots of, you know, varieties and moments, and a girl or anybody, if she is missing from Kashmir or something, a place, Kashmir se agar Mumbai mein agar koi bhi lost ho jata hai, to jo alag alag hum logo ka dharaye hai aur wahan ka jo moment, matlab wahan ka jo police hai aur yahan ka jo police hai, wo log kaise ek matlab ladki ko wahan se nikalte hai, aur iske upar pura movie hai. So it's like an interesting story, and the story it has lots of thrilling, I guess, and suspense is there, so much suspense is there. So I think हम लोग शुरू करने वाले हैं, आगे आप बोलेंगे जी। तो जैसे कि उन्होंने बताया, दही सर चेकनाका बेसिकली एक लड़की की कहानी है जो एक चीज़ की खोज में निकलती है। वो क्या चीज़ है, वो क्या सिचुएशन है, वो अभी हम नहीं बता सकते बिकॉज इट्स अ सस्पेंस एंड हम ओपन नहीं कर पाएंगे। और जैसे कि इन्होंने बताया कि कश्मीर और भारत के बीच में अभी लॉज को लेकर थोड़े से डिफरेंसेस हैं, धाराओं को लेकर डिफरेंसेस हैं, तो इस सिचुएशन को लेकर ये इस 370 वाली धारा की वजह से क्या क्या चेंजेस आते हैं, कैसे सिचुएशंस उभरते हैं, उसके ऊपर ये पूरी कहानी है। इट्स अ जर्नी ऑफ अ गर्ल। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं एक कॉप का किरदार प्ले कर रहा हूँ जो कि मुंबई में एक मराठी कॉप है, और ये कहानी जब कश्मीर से बॉम्बे आएगी तब मेरा पार्ट बेसिकली रिवील होगा, और जो कि एक जो सस्पेंस है उस सस्पेंस को खोलने में जहाँ तक मुझे पता है मेरा अहम हिस्सा होने वाला है। सो लाइक शी सेड, आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड एंड वेरी ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ द रिसर्च चेकनाका। आजकल हम देख रहे हैं जैसे कि हार्ड हिटिंग सब्जेक्ट्स बहुत अच्छा कर रही हैं, रियल्स सब्जेक्ट्स बहुत अच्छा कर रही है, पब्लिक आज नॉर्मल कमर्शियल फॉर्मूले वाले फिल्म से काफ़ी ऊब गई है, तो हमें भी काफ़ी होप्स हैं कि ऐसी एक हार्ड हिटिंग और रेलिवेंट सब्जेक्ट है उससे पब्लिक जुड़ना चाहेगी और पब्लिक देखना चाहेगी, और बहुत सारा इंथुजियाज़म होगा पब्लिक में जब उन्हें पता चलेगा कि ये रईसर चेकनाका एग्जैक्टली क्या था। Okay, and I wanted to ask you, sir, you know, we have seen you working in the industry for long, you also seen you in Crime Patrol as an inspector, you know, right. How different would be the inspector role you're going to play in Jaisa Chiknaka, because it's a Marathi guy, right. Are you going in some sort of workshop or something? No, I don't think I'll be doing a lot of workshops or anything, but जहाँ तक मराठी का सवाल है, मैं मुंबई का लड़का हूँ, मराठी मैंने स्कूल में सीखी है, और थोड़ी बहुत बेसिक मराठी बोलना आता है मुझे, और भी काफ़ी एपिसोड्स में मैंने वो मराठी टच वाले कैरेक्टर्स किए हैं, तो वर्कशॉप्स वगैरह तो वो हमारे सर अनिल सर जो हैं डायरेक्टर, उनके ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो वर्कशॉप करना चाहेंगे तो हम डेफिनेटली करेंगे,
लेकिन क्राइम पेट्रोल में जो मैंने कॉप के कैरेक्टर्स किए हैं वो ज़्यादातर मैंने नॉर्थ बेस्ड किए हैं. दे व्हेनेवर इट्स अ पंजाब स्टोरी वो लोग मुझे बुलाते हैं, पता नहीं क्यों. तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई विल बी प्लेइंग अ महाराष्ट्रन कॉप. और हमने पर्दे पे बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों को कॉप्स प्ले करते हुए देखा है, तो जाहिर सी बात है उन लोगों से तो इंस्पिरेशन लूँगा ही लूँगा मैं. लेकिन देखूंगा कहीं ना कहीं अगर मैं अपनी तरफ से मैं अगर कुछ उसमें तड़का डाल सकूं या कहीं पे ऐसे कुछ सिचुएशंस है जिसमें मैं अपना कुछ योगदान दे सकूं तो वो तो सेट पे जब जाएंगे और सीन्स पे काम करेंगे तभी पता चलेगा. ओके क्या आई बिलीव यू हैव सीन बाजीराव मस्तानी द वे द स्पेशल एडिक्शन. यस मैं लहजे की बात करता हूं. यस यस रणवीर ने जिस तरह से अदा किया वो लहजा नजर आता है कि मराठी का जी जी जी. क्या उस तरह की कोई डिटेलिंग में जाएंगे आप कि वो लहजा लगे आपको अलग करे क्योंकि बीइंग प्लेइंग अ कॉप. बिल्कुल बिल्कुल डिटेलिंग में जाएंगे. अगर हम महाराष्ट्र मराठी कॉप की बात कर रहे हैं तो वो लहजा तो आएगा ही आएगा. जाहिर सी बात है बहुत सारी लाइंस भी मैं चाहूँगा कि वो मराठी में मैं इनकॉर्पोरेट करूँ. बिकॉज हम आम तौर पे हम बॉम्बे में भी देखते हैं जब कॉप्स बात कर रहे होते हैं तो वो महाराष्ट्र कॉप्स जो होते हैं वो हिंदी मराठी वो मिक्स करके बोलते हैं. तो वो फ्लेवर तो डेफिनेटली इसमें हम ले आएंगे बिकॉज तभी कैरेक्टर का मज़ा है. तो उस डिटेलिंग में तो हम जाएंगे ही जाएंगे. टू द एक्ट्रेस, क्या ये हाफ वीडियो की कहानी है? अगर मैं कश्मीर की बात करूं या मैं धारा 370 की बात करूं, बहुत से मैं कहूंगा महिलाओं के शौहर या पति जो मिले नहीं है हाफ वीडियो कहा जाता है कश्मीर, क्या ये उसके संघर्ष की कहानी जो निकली है ढूंढने की, वही मेरा पति कहाँ है? ये तो हम नहीं बता सकते. हम यह नहीं खोल सकते कि किस चीज़ के लिए खोज में निकली है. बट ऑफकोर्स इट बेस्ड ऑन यू नो वुमेन ओरिएंटेड मूवी है, वुमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट है कि क्या हो रहा है हमारे कंट्री में और कैसे किस चीज़ के लिए एक लड़की खोज में निकलती है उसके ऊपर स्टोरी है. आई एम प्लेइंग वन ऑफ द लीड कैरेक्टर एंड स्टोरी जो है कहीं पे जाके मतलब फर्स्ट हाफ से सेकंड हाफ में जाके बहुत डिफिकल्ट हो जाती है उस लड़की के लिए और वो उस चीज़ से कैसे निकलती है, कैसे आगे बढ़ती है और क्लाइमेक्स तक कैसे पहुंचती है इसकी स्टोरी. आर यू पीपल आर फॉलोइंग द स्ट्रेटजी ऑफ विद्या बालन व्हिच शी हैव डन ड्यूरिंग द प्रमोशन ऑफ कहानी? शी यूज्ड टू ट्रैवल यू नो इन अ डिसगाइज ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमन. फिर बाद में जब आप फिल्म देखते हो तो आपको लगता है कि ये तो कुछ दुनिया ही अलग है. तो क्या ये खास यूएसपी बना के चल रहे हैं आप लोग मार्केटिंग स्ट्रेटजी या प्रमोशन स्ट्रेटजी की? एक लड़की है निकली है ढूंढ रही है मुझे लगता है ये स्टोरी कहानी से तो काफी मतलब डिफरेंट है. इसमें ऐसी कोई बात नहीं जो वहाँ पे जो अलग सी रिवेंज वाली बात थी. लेकिन हाँ ऑब्वियसली कहानी तो लिटिल बिट रिवेंजफुल है बट नॉट लाइक मतलब जो विद्या बालन ने जो प्ले किया था वैसा कुछ नहीं है. पर बोल सकते हैं कि लाइक फॉर लड़कियों के लिए बहुत ही मतलब सोशल एक अवेयरनेस क्रिएटिंग मूवी है और इसको देखने के बाद मुझे लगता है कि बहुत लोग जो इंडिया में बहुत चीज़ों के बारे में बहुत लॉज के बारे में नहीं जानते उसके बारे में भी उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और लड़कियों के लिए भी आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग एक मैसेज जाए. जिसमें एक कश्मीर में एक होते कि 377 की धारा लगती है जो अगर कश्मीर का कोई भी यहाँ पर आता है इंडिया में आई मीन दिस साइड तो उसका केस लॉन्च नहीं होता यहाँ तो वो यहाँ पे केस नहीं कर सके. और अगर हम यहाँ से कश्मीर में जाते हैं उसको बोलते हैं 35 पे 377 की यहाँ का केस वहाँ पे नहीं दर्ज होता है, वहाँ का केस यहाँ पे दर्ज होता है. तो स्पेशली ये वुमेन ट्रैफिकिंग पे है तो अभी बस जल्दी हम शूट करने जा रहे हैं. इसके बारे में मैं ज़्यादा तो रिवील नहीं कर सकती हूँ, बस यही बताया है कि ये सस्पेंस थ्रिलर है और पूरी बेस्ड जो स्टोरी है वो एक लड़की के ऊपर इर्द गिर्द घूमती है जिसमें काफ़ी सारे किरदार शायद आप लोगों को पता भी चल गया होगा कौन कौन है फिल्म में. रुस्लान है और मुकुल देव सर हैं. और बहुत कम स्टोरीज ऐसी होती है जो वुमेन के ऊपर आपको बॉलीवुड में बहुत कम दिखाई जाती है. तो सबसे पहला रिएक्शन मेरा यही था कि मुझे जैसे मैंने स्टोरी सुना था कि मुझे यही करना है कि एक तो वुमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट है और दूसरा वुमेन ट्रैफिकिंग जो है जो आज कल के टाइम में हमारे आसपास तो स्पेशली
स्पेशली वो उसके ऊपर है और स्पेशली कश्मीर का और दही बॉटल बॉटल खेल रहे तो इट्स रिलेटेड टू पांडे अरे प्रेम मिल रहा है पूरा एक इलाके में हो रहा है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग है नहीं मुंबई के एक इलाके में नहीं हो रहा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग आई थिंक हर जगह पे होता है इट्स नॉट स्पेशली इन मुंबई इट्स नॉट स्पेशली इन कश्मीर इट्स नॉट स्पेशली इन दिल्ली इट्स आई थिंक एवरीवेयर एंड वी नीड टू स्टॉप इट एंड वी आर आवर गवर्नमेंट आल्सो ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ दिस एंड ज़्यादा कोशिश भी कर रहे हैं इसको ख़त्म करने के लिए तो ये मूवी टोटली उसी के ऊपर बेस्ड है तो हम दिखाएंगे कि कैसे कैसे क्या ये लड़की क्या करती है इन चीज़ों को लेके बाकी आप लोग ओके इसके अलावा मॉलीवुड के और दूसरा मैंने पूरी फिल्म की कास्टिंग की है बिग थैंक्स टू माय प्रोड्यूसर डायरेक्टर मिस्टर अनिल नारायणी जी एंड नरेश पटेल जी जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया एंड कंगना जी नवीन प्रभाकर जी जितने भी आर्टिस्ट हैं सबको मैंने लाइक फिल्म के लिए अप्रोच किया एंड दिस इज इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी आई वुड लव टू डू दिस फिल्म एंड देन उसके बाद वहाँ से फिल्म स्टार्ट हुई है एंड ये फिल्म जो मैं वो जिस सब लोग कहते हैं ना हटके है हटके है हटके है वो मैं अभी नहीं बोलूँगा वो रिलीज पे आप लोगों को खुद पता चलेगा कि वो टिपिकल लव स्टोरी या रोमांस और सस्पेंस और थ्रिलर नहीं है आज जैसे यहाँ पे चल रहा है लाइक देख रहे हैं लव जिहाद और वुमेन ट्रैफिकिंग उसके ऊपर बेसिकली इसमें फोकस किया गया है इस फिल्म में कि किस तरीके से कश्मीर में एक हैप्पी फैमिली है दो बहन हैं माँ बाप हैं और वो अपना लाइफ अच्छे से जी रही हैं और एक मुस्लिम लड़का उसकी छोटी बहन है उसको अपने प्यार में फंसा के उससे शादी करके जो निकाह करते हैं इनफैक्ट वो लोग निकाह करके उनको ला के दहीसर में बेच देते हैं और उस परिवार को क्या बीतता है फिर कंगना जी जो कि ये घर की बड़ी बहन है एक मैच्योर है वो तो छोटी लड़की है जो मतलब इनकी जो सेकंड बहन है किस तरीके से वो आती है अपनी बहन को सर्च करने के लिए और क्या क्या यहाँ पे बीतता है वो सारा चीज इस फिल्म में आपको दिखाया जाएगा सर जैसे बता रहे हैं आपकी